गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6C फ्रॉम RS अग्रवाल। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 6B में पढ़ा था कि एक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बेटा हमने क्या सीखा था, 3 × 2 = 6, x इंटू एक्स x square, that means बेटा ये क्या था monomial, ये क्या था monomial। लेकिन हमें जो आज सीखना है वो सीखनी है multiplication किसकी, एक monomial की, किसके साथ, binomial के साथ। बेटा monomial मतलब one term, binomial मतलब two terms। clear है बेटा, सभी ध्यान देंगे multiply कैसे करनी है। बेटा 4a की multiply with 3a, clear है, प्लस इंटू प्लस प्लस 4a की मल्टीप्लाई विद 7b, क्लियर है बेटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4a की मल्टीप्लाई 3a के साथ, प्लस इंटू प्लस प्लस 4a की मल्टीप्लाई 7b के साथ, क्लियर है बेटा। इसके बाद हम सीख चुके हैं 4 × 3 = 12, a इंटू a पाव, देखो सभी पाव की नहीं है 1, पाव की नहीं है 1, 1 प्लस 1 2, प्लस 4 × 7 = 28, ए और बी अलग हैं तो हम क्या करते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई, दिस इज द आंसर। हम इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ए स्क्वेयर और ए बी लाइक टर्म्स नहीं है, क्लियर है। फोकस क्वेश्चन 2, हम क्या करेंगे, 5a की मल्टीप्लाई विद 6a, प्लस इंटू माइनस माइनस 5a की मल्टीप्लाई विद 3b, क्लियर है बेटा। 6 × 5 = 30, a इंटू a स्क्वेयर, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 × 3 = 15, a इंटू b ए बी। इसे आगे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि a स्क्वेयर और a बी के हैं अनलाइक टर्म्स, क्लियर है बेटा। फोकस क्वेश्चन नंबर 3, सेम मल्टीप्लाई करना है, 8a स्क्वेयर की मल्टीप्लाई विद 2a, प्लस इंटू प्लस प्लस क्या करेंगे, 8a स्क्वेयर की मल्टीप्लाई विद 5b, क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस इंटू प्लस प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्लियर है। 8 × 2 = 16, 2 × 1 = 3, प्लस 8 × 5 = 40, ए स्क्वेयर बी, क्योंकि दोनों क्या हैं अनलाइक, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दिस इज द आंसर, क्लियर है बेटा। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7, क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे लिख दिया, प्लस इंटू प्लस प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे लिख दिया। अब ध्यान दो सभी, कुछ कट रहा है, 3 और 5 कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं कट रहा, ऐसे का ऐसा। पर ध्यान दो, पावर 2 पावर 1, 2 + 1 = 3, एन का एन, क्लियर है। सभी ध्यान दो बेटा, कुछ कट रहा है, 5 से 5 क्या बचा, सिर्फ 3, एम का स्क्वेयर, एन और एन, पावर 1 पावर 1, 1 + 1 = 2, दिस इज द आंसर, क्लियर है बेटा। फोकस क्वेश्चन नंबर 9, एज इट इज इसकी मल्टीप्लाई इससे रख दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे रख दी, क्लियर है। प्लस इंटू प्लस प्लस आई बस में, प्लस इंटू प्लस प्लस, क्लियर है। सभी ध्यान दो, कुछ कट रहा है, 7 से 7, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या बचा, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, क्लियर है। 1 को लिखना, लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, इसको हटा देना। और देखो बेटा, पावर 2 पावर 1, 2 + 1 = 3, क्लियर है, प्लस प्लस 2 से 2 क्या हो गया कट, क्या बचा, 7x² 7x², सो दिस इज द आंसर, क्लियर है बेटा। तो आपको इस तरह स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट की फर्स्ट से, फर्स्ट की सेकंड से, क्लियर है बेटा। सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस, नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चंस, हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा करना क्या है, 10a² = 0.1a = 0.5b। बेटा सभी ध्यान देंगे, 0.1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, मतलब नीचे क्या आएगा 10। आई बस ना बेटा, साथ में क्या है a, डेट मीन्स a वन जा a बाय 10,
आई बाय 7 में मैंने क्या किया, इसको हटा के क्या लिख दिया, a बाय 10। क्लियर है? इन द सेम वे 0.5b मैंने क्या किया बेटा, 5 by 10, साथ में क्या था b, that means 5b by 10। क्लियर है बेटा? 5b by 10। आई बाय 7 में फोकस। नेक्स्ट फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से, कैसे बेटा, प्लस इनटू प्लस, प्लस प्लस इनटू माइनस, माइनस। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, सभी ध्यान दो, कुछ कट रहा है, 10 से 10 कटा, क्या बचा, पावर 2, पावर 1, 2 प्लस 1 3। क्लियर है? 10 से 10 क्या हो गया कट, क्या बचा 5। ध्यान दो a और b, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसा है वैसे का वैसा, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें क्या करना है बेटा, सिर्फ मल्टीप्लाई ना करके हमें क्या करना है, आंसर भी निकालना है, वैल्यू भी निकालनी है। क्या करना है, आंसर के अंदर क्या रखना है, एक्स की जगह 2। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान दो, 24x² × 1, मतलब फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, क्लियर है, प्लस इनटू माइनस, माइनस फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से। क्लियर है? फोकस, 24 × 1 = 24x², 24 × 2 = 48, पावर 2, पावर 1, 2 प्लस 1 3। ये मेरा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मुझे क्या करना है, पुट करना है एक्स की जगह 2, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 पुट कर दिया। क्लियर है? 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 जा हाउ मच 4, पुट कर दिया 2 कितनी बार, 3 बार, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, पुट कर दिया 24 × 4 = 96, 48 के मल्टीप्लाई 8 से 384, माइनस किया कितना आया 288, बड़ा कौन है माइनस का, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा? समझ में आया सभी को? फोकस क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई इसको इससे, उसके बाद क्या करना है, पुट एक्स की जगह 2, टी की जगह 3। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, क्लियर है, प्लस इनटू माइनस, माइनस फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड से, पुट कर दिया आई बाय 7 में, पावर 2, पावर 1, 2 प्लस 1 3, पावर 1, पावर 1, 1 प्लस 1 2, टी एज इट इज, एस की जगह 2, टी की जगह 3, पुट कर दिया, पुट कर दिया, पुट कर दिया। क्लियर है? 2 का क्यूब अभी बताया था, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। क्लियर है? 2 का स्क्वायर अभी बताया था, 2 × 2 हाउ मच 4, 4 × 3 = 12, 12 में से 8 गया हाउ मच 4, बड़ा कौन है माइनस का, सो दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा? सभी को समझ में आया? आपको इस तरह अपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ट्राई करने के बाद पीडीएफ से अपने आंसर मैच कर लेना और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना। नाउ वी आर डूइंग 2 मोर क्वेश्चंस, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। नाउ वी आर डूइंग 2 मोर क्वेश्चंस, जिसके अंदर बेटा हमको करना है क्या बेटा, एक वर्ड होता है सिंप्लीफिकेशन, बेटा हमको इनको करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। तो बेटा हमको क्या करना है, हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा सभी कैसे करेंगे, फोकस। ए की मल्टीप्लाई किससे, बी से, दैट मींस ए बी, प्लस इनटू माइनस, माइनस ए और सी की मल्टीप्लाई ए इनटू सी। क्लियर है? प्लस इनटू प्लस, प्लस बी इनटू सी, बी सी, प्लस इनटू माइनस, माइनस बी इनटू ए, बी ए, इन द सेम वे प्लस इनटू प्लस, प्लस सी इनटू ए, सी ए, प्लस इनटू माइनस, माइनस सी इनटू बी, सी बी। बेटा आप सभी एक चीज़ सुनेंगे, बड़ी इजी चीज़ है, 2 × 3 = how much 6, और बेटा 3 × 2 = how much 6, मतलब बेटा मैथ्स में मल्टीप्लाई करो तो उल्टा पुल्टा एक समान। मतलब मैंने ये चीज़ क्यों समझाई, सभी ध्यान देंगे, ए बी, ए सी,
बीसी बेटा मैं बीए को क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्योंकि मैथ्स में उल्टा पुल्टा एक समान किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। क्लियर है बेटा, समझ में आया, फोकस। इसी तरह सीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी। इसी तरह सीबी को क्या लिख सकता हूँ, बीसी। क्लियर है, आप सभी करो एक साथ, ए बी के साथ ए बी, इन द सेम वे बी सी के साथ बी सी, इन द सेम वे ए सी के साथ ए सी। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई की, सेकंड स्टेप में हमने किया उल्टा पुल्टा एक समान, बी ए की जगह ए बी, सी ए की जगह ए सी, सी बी की जगह बी सी। क्लियर है, उसके बाद ए बी के साथ ए बी, बी सी के साथ बी सी, ए सी के साथ ए सी। क्लियर है, आई बात समझ में। नेक्स्ट प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, सब क्या हो गया, कट, क्या बचेगा, जीरो, जीरो इज द आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, देखो ध्यान से भी, 3x² एज इट इज, प्लस इनटू प्लस, प्लस 2 इनटू x 2x, इन द सेम वे प्लस इनटू प्लस, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, माइनस इनटू प्लस, माइनस 3x की मल्टीप्लाई 2x से। क्लियर है, माइनस इनटू प्लस, माइनस 3x की मल्टीप्लाई 1 से। क्लियर है, फोकस, 3x² एज इट इज, 2 इनटू x 2x, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, x की पावर 1 1 प्लस 1 2। क्लियर है, 3 1 जा 3, साथ में x, आई पास ऑन में। इसके बाद x² वाले पहले लिख लिए, उसके बाद x वाले, उसके बाद नंबर। क्लियर है, आई पास ऑन में। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, कॉन्स्टेंट अकेला है, ध्यान दो सभी, 6 में से 3 गया 3, बड़ा कौन है, माइनस का। क्लियर है, 3 में से 2 गया 1, 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, बड़ा कौन है, माइनस का, प्लस 4। मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों, x² x कॉन्स्टेंट, सभी के डिफरेंट, सभी कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है, आपको इस तरह अपनी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद पीडीएफ से मैच करना है। क्लियर है, सो इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 6C। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।